उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर विधायकों को दिया जाएगा टिकट। खराब प्रदर्शन करने वाले विधायकों को नहीं मिलेगा टिकट। देहरादून में कृषि केंद्र थाना रायपुर में किसानों को बांटे गए थे कृषि यंत्र। कृषि यंत्र में मिली गुणवत्ता की कमी, किसानों ने केंद्र में वापस किए कृषि यंत्र। लक्सम में ग्रामीणों को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, अपात्र लोगों को दिया जा रहा है आवास। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से की जांच की मांग। पौड़ी में श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील में लगातार मिल रहे हैं शव, पुलिस ने एसडीआरएफ टीम की मदद से निकाला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। युवा भारत साधु समाज ने महंत नरेंद्र गिरी महाराज को श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ साथ आनंद गिरी महाराज युवा भारत साधु समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बता दें आज युवा भारत साधु समाज ने आनंद गिरी को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त किया है और युवा भारत साधु समाज के महामंत्री रवि देव शास्त्री महाराज ने बताया कि भविष्य में महाराज का युवा भारत साधु समाज से कोई संबंध नहीं रहेगा। तो ऐसे में बता दें आज नरेंद्र गिरी को अंतिम विदाई दी गई है, साधु समाज ने श्रद्धांजलि दी है महंत को और ऐसे में साधुओं ने ये पत्र लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वामी नरेंद्र गिरी जी महाराज जी का इस प्रकार से चले जाना हम सब के लिए एक दुखद और खेद का विषय है। पूरा सनातन समाज इससे आहत है कि एक वो विश्व स्तरीय चेहरा थे सनातन परंपराओं के और जिन्होंने पूरी एक विरासत को साथ में लेकर चलने का काम किया। उनके अचानक जाने से हम सबको बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत गहरी चोट पहुंची है। तो पूरा युवा भारत साधु समाज उनके प्रति हार्दिक भावनीय श्रद्धांजलि व्यक्त करता है और प्रभु परमात्मा से, भगवती माँ गंगा से, भगवान कार्तिकेय से हम सब निवेदन करते हैं कि उनको अपने चरणों में निवास प्रदान करें। बाकी स्वामी आनंद गिरी जी महाराज जी के विषय में हमने उनको युवा भारत साधु समाज के अंतर्राष्ट्रीय पद में एक सम्मान दिया था तो उनको आज हम उस पद से मुक्त करते हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए पुरोला विधायक राजकुमार के खिलाफ आज विधानसभा में कांग्रेस दल बदल नीति के तहत राजकुमार की विधानसभा आय सदस्यता खत्म करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। वही बता दें नेता प्रतिपक्ष ने इसकी तैयारी करते हुए विधानसभा सचिव से बातचीत भी कर ली है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने मांग की है कि कई साल पहले बीजेपी दफ्तर में हुई चोरी का खुलासा सरकार कराए, अब तो वो सत्ता में है। दरअसल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर वायरल हुए फर्जी पत्र पर सियासत भी तेज हो गई है, जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि ये शरारत और साजिश भी हो सकती है, इसमें विपक्ष भी शामिल हो सकता है, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर विपक्ष की साजिश है तो सरकार कार्रवाई करे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि पहले भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चोरी हुई थी, उसका भी खुलासा करते और ये कहते कि ये चोरी भी विपक्ष ने की है। प्रीतम सिंह का कहना है कि सत्ता में आप बैठे हैं, आपसे काम हो नहीं पा रहा है और गेंद विपक्ष के पाले में फेंक रहे हैं। जो आजकल व्हाट्सएप वगैरह है उस पर इस पत्र को देखा और मैं भी समझ रहा था कि शायद संभवतः तो भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो पत्र है ये फर्जी पत्र है। भाई अगर हम सम्मिलित हैं, सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, सरकार तो बीजेपी की है। जांच कराएं और अगर हम संलिप्त हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? कि बार बार सत्ता पक्ष के लोग ये कहते हैं साहब विपक्ष इसमें सम्मिलित है, सरकार तुम्हारी है, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो और गेंद हमारे पाले में सरकाने का काम करते हो, इससे बात बनने वाली नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि भाजपा के कार्यालय में पूर्व में भी चोरी हुई, उसका भी खुलासा नहीं हो पाया है, उसका भी खुलासा होना चाहिए। सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अब कह देंगे साहब वो चोरी भी विपक्ष ने की है तो करो ना सरकार में, तुम वो हम थोड़ी है सरकार में, हम थोड़ी कार्रवाई करें, कार्रवाई करे बीजेपी। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। इस बार बीजेपी आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर विधायकों को टिकट देगी। जिन नेताओं का रिपोर्ट कार्ड
ठीक नहीं होगा, उनके टिकट कटने तय हैं। ऐसे में बीजेपी ने 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटे सभी नेताओं को साफ कर दिया है कि परफॉर्मेंस के आधार पर भी उनको टिकट मिलेगा। दरअसल विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच जाने वाले और जन समस्याओं को प्रमुखता देने वाले विधायकों को ही टिकट मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि जिसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनका टिकट कटना तय है। हालांकि इस बात की चर्चा लंबे समय से की जा रही है कि बीजेपी में 20 से 25 विधायकों को टिकट कटना तय माना जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों में आपने देखा कि जनता की जो नाराजगी है 4.5 सालों की कुप्रशासन की भारतीय जनता पार्टी की, वो सड़कों पर आ रही है और किस तरीके से विधायक को घेरने का काम भी जनता कर रही है, तो उन्हें ये पता चल चुका है कि जो सिटिंग MLA हैं उन्होंने काम नहीं किया है क्योंकि सरकार ने काम नहीं किया। इसीलिए आपने देखा धर्मपुर के जो विधायक हैं वो कह देते हैं कि भाड़ में जाए भाजपा का टिकट, मुझे उस टिकट से चुनाव नहीं लड़ना। तो ये सिर्फ अपने मैं कहती हूँ जो कृत्य हैं बुरे, उनका डर है उनको कि उन्होंने 4.5 सालों में जन विरोधी ही नीतियां बनाई हैं, इसीलिए मन से डरे हुए हैं और एंटी इनकम्बेंसी का डर है उनको, बस इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और हमारी परिवर्तन यात्रा में जितना जो जन सैलाब उमड़ा देख रहे हैं उससे थोड़ा सा बौखलाए हुए हैं। पार्टी दुनिया की सबसे बड़ा संगठनात्मक पार्टी है और जब हम ये बात करते हैं कि जब हम चुनाव में जाते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले बात कही थी कि हर व्यक्ति, जिस व्यक्ति को संगठन में या सरकार में कोई भी जिम्मेदारी दी गई है उसको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस का जो आकलन है वो संगठन के माध्यम से भी किया जाता है, वरिष्ठ जनों से बात करके भी किया जाता है, सर्वे के माध्यम से भी किया जाता है। जो अंडर परफॉर्मर रहेंगे, चाहे वो विधायक हों, पार्टी के पदाधिकारी हों, जो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वो चेहरे बदल दिए जाएंगे। ये शुरू से मेरी पार्टी की रीति और नीति रही है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति को परफॉर्मेंस इज़ द मस्ट। तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो आप बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिए कि आपको उस पद पे आप बने रहेंगे या अगर आप चुनाव में जाते हैं तो आप विधायक हैं तो विधायक बने रहेंगे, आपका टिकट नहीं कटेगा। मेरी पार्टी परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देगी और मुझे लगता है कि जो काम करने वाले मेहनती चेहरे होंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया होगा उन लोगों को जगह मिले। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरह से देखा जाए विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय बचा है, ऐसे में बीजेपी अब ये कदम उठा रही है और फूक फूक का कदम रखने की कोशिश कर रही है ताकि अच्छे से सत्ता में वो वापस आ सके। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने किया था, लगभग 57 विधायकों के साथ विधानसभा में पहुंची थी, तो वैसी ही उम्मीद इस बार भाजपा फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में लगा रही है। और कोशिश भाजपा की यही है कि वो फिर से अधिक विधायकों को जिताकर विधानसभा में पहुंचाए। लेकिन बड़ी चीज ये भी है कि चुनौतियां बहुत ज्यादा भाजपा के पास इस बार है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4.5 सालों में मुख्यमंत्रियों का बदलने का दौर भाजपा में लगा उससे कहीं ना कहीं जनता काफी नाराज नजर आ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके की परिस्थितियां फिर से बन रही है, कहा जा सकता है कि फिर 2022 के चुनाव में जो विधायक हैं यानी कि जो वर्तमान विधायक हैं उनके टिकट कटना लगभग तय है और परफॉर्मेंस बेस पे ही उनको टिकट दिया जाएगा, यानी कि जिसका बेहतर प्रदर्शन अपने क्षेत्र में होगा, जनता में अच्छी पकड़ होगी, उसी विधायक को बिल्कुल सुभाष। और कहा ये जा रहा है कि 20 से 25 विधायक ऐसे होंगे जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं रहा है, तो क्या अभी तक किसी का नाम सामने आ पाया है? जी बिल्कुल, नाम अंतिम समय में सामने आता है क्योंकि अभी से ही विधायकों से नाराजगी अगर बनाया जाए, उनका नाम बाहर लिया जाए, तो कहा जा सकता है कि बगावत की स्थिति पार्टी में बन जाती है और ऐसे में कभी भी भाजपा नहीं चाहेगी कि उनकी पार्टी से बगावत उनके विधायक करें और किसी अन्य दल में जाने की कोशिश करें। तो यही कारण है कि अभी कोई भी नाम साफ नहीं है, लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक आते ही आचार संहिता लगते ही उसके बाद सरगर्मियां गर्म होती हैं इन नामों को लेकर, और किसका नाम आगे चलता है किसका नाम पीछे चलता है ये भी उसी समय निर्धारित भाजपा करती है, क्योंकि भाजपा एक संगठनात्मक पार्टी है तो पार्टी चाहती है कि संगठन को देखते हुए और एक साथ मिलजुल के उनको चलाने की कोशिश करती है। और चुनाव के समय में टिकट भी संगठन और सरकार दोनों ही मिलकर तय करती है कि आखिरकार किस पर
चुनाव लड़ाए जाए और किस चेहरे पर जो विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं उनको पसंद करते हैं। हालांकि ये कोशिश भाजपा की है, लगभग 25 से 30 विधायक जो हैं उनको बदला जाएगा, ये बात जरूर कही जा रही है। लेकिन अभी तक क्योंकि परफॉर्मेंस बेस की बात भी कही जा रही है, तो देखना होगा कि चुनाव नजदीक आते आते किसकी स्थिति बेहतर हो सकती है और किसकी स्थिति और खराब होती है। तो कुल मिलाकर चुनाव आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार कितने विधायकों का टिकट काटा जाता है भाजपा में। बिल्कुल सुभाष, और कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने जिस तरह से आपने भी कहा चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से एक साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बीजेपी बदल चुकी है उत्तराखंड में अपने, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, कोरोना काल में जो अव्यवस्था अस्पतालों में देखी थी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है जिसको अब जनता के सामने बीजेपी को अच्छी तरह से अपने आप को पेश करना है, इसीलिए शायद ये इतना बड़ा कदम उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव मैंने कहा कि भाजपा की स्थिति बेहद बेहतर 2017 के चुनावों में बन गई थी, लेकिन अभी जो स्थिति है वो इस वजह से भी खराब नजर आ रही है क्योंकि सरकार जो है वो वर्तमान में भाजपा की है, और 2017 के विधानसभा चुनावों में जो पूर्व में सरकार वो कांग्रेस की थी। लेकिन इस बार ये उम्मीद भी की जा रही है कि भाजपा का जो पिछले 5 साल का जो परफॉर्मेंस होगा, जनता के लिए किए गए काम होंगे, घोषणाएं होंगी या धरातल पे किए गए जो काम होंगे उनको देखते हुए जनता उनको वोट देगी और विधायकों को पसंद करेगी। यही वजह है कि टिकट कटने के आसार ज्यादा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से भाजपा के जो विधायक है वो अपने क्षेत्र में बेहतर काम नहीं कर पाए थे, चाहे वो कोरोना काल की वजह से कहा जाए या फिर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों का बदलना लगातार जारी था, तो इन सब चीजों के बीच वो बेहतर काम नहीं कर पाए। लेकिन अब उम्मीद है कि अब जो कम समय बचा है उसमें कितना बेहतर काम करते हैं, अपने क्षेत्र की जनता के साथ कितना कोऑर्डिनेशन वो बना पाते हैं, और उसके बाद ही उनका आखिरी रिपोर्ट कार्ड जो है वो सरकार देखेगी, संगठन देखेगा और हाईकमान देखेगा, उसके बाद ही इन लोगों को टिकट के बंटवारे के लिए तैयार किया जाएगा कि आखिरकार किस सीट पर किसको टिकट दिया जाता है और कितने वर्तमान विधायकों का टिकट काटा जाता है। जी, चलिए सुभाष बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसीलिए जनता की जो नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी में देखी जा रही है उसको सुधारने के लिए बीजेपी ये कदम उठाएगी। और जानकारी ये भी मिल रही है कि हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले 20 से 25 विधायकों का टिकट इस बार काट दिया जाए और नए विधायकों को टिकट दिया जाएगा। साथ ही रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जिन विधायकों की परफॉर्मेंस ठीक है उन्हें उसी के आधार पर टिकट दिया जाएगा, जिनकी परफॉर्मेंस खराब होगी उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। और इसीलिए बार बार ये चीजें सामने आ रही हैं कि जिन विधायकों ने जन समस्याओं को लोगों की सुना, प्रमुखता दी उन्हें, उन विधायकों को टिकट मिलेगा, और जिन्होंने काम नहीं किया, जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब होगा, उन विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी कि पूरी तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है और ऐसे में बीजेपी अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए काफी समय से नाराजगी जनता में काफी देखी जा रही है बीजेपी सरकार को लेकर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या उत्तराखंड की बीजेपी सरकार हो, नाराजगी काफी ज्यादा जनता में है। इसीलिए अब बीजेपी पूरी तरह से फूक फूक का कदम रख रही है और अब विधायकों के परफॉर्मेंस के आधार पर ही उन्हें टिकट देने का फैसला किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा को हाईकोर्ट के निर्देश पर खोल दिया गया है, मगर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अव्यवस्थाएं फैली होने से तीर्थ यात्री खासा परेशान हैं। स्थिति यह है कि तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते पर फैली गंदगी से तीर्थ यात्रियों को दुचार होना पड़ रहा है, जबकि पैदल मार्ग पर पेयजल की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा पैदल मार्ग बरसात की वजह से डेंजर बना हुआ है, जिस पर सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। तो बता दें कि समस्याएं इस समय चारधाम यात्रा हाईकोर्ट के फैसले पर खोल तो दी गई है, लेकिन रास्ते में तमाम समस्याएं हैं जिनसे लोगों को दोचार होना पड़ रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से रास्ता पूरी तरह से खराब है, उसी से लोगों को होते हुए गुजरना पड़ रहा है। पैदल रास्ते की बात की जाए ना तो पूरे रास्ते में पेयजल की व्यवस्था है ना ही किसी और चीज़ की, इससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। स्थिति ये बनी हुई है कि तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक कई समस्याओं का
सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रास्ते पर गंदगी फैली हुई है, जिससे तीर्थ यात्रियों को दो चार होना पड़ रहा है, जबकि पैदल मार्ग पर पेयजल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा बता दें, पैदल मार्ग बरसात की वजह से काफी खराब है, जिससे खतरा लगातार बना रहता है, जिस पर सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। बस जो है यात्रा का आगाज हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार को श्रद्धालुओं के लिए चार धाम यात्रा का आगाज करना पड़ा और इसलिए कई वर्षों से यात्रा हो गया, लेकिन इस वर्ष जो यात्रा के प्रबंधन में खामियां जो देखी जा रही है उसका नुकसान यात्रियों को तो हो ही रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी लोगों को बड़ा भारी इसका नुकसान हो रहा है। आप देखेंगे घाट से लेकर केदारनाथ तक जाकर मार्ग, उसमें जो है यात्री भी अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं और जो उस यात्रा को स्थानीय आदमी जो है स्थानीय जो हमारे गंदी कंदी घोड़े वाले मजदूर लोग उस पैदल मार्ग पे जब चलते हैं तो मार्ग के तो कई जगह पे मार्ग में दलदल पड़ा हुआ है, कई जगह बड़े बड़े जो है बोल्डर जो है मार्ग के बीच बीच पड़े हैं। हाईकोर्ट के द्वारा 800 लोगों की एक लिमिट जो है बनाई गई है और SOP जो जारी करी गई है शासन में, उसमें भी 800 लोग यात्रा ई पास जारी करवाने के पश्चात ही दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो जगह जगह पे पुलिस चेकपोस्ट की व्यवस्था है और मेडिकल व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पे आपकी एंटीजन टेस्टिंग वगैरह और RT-PCR टेस्टिंग वगैरह करी जा सकती है। इसके अलावा समस्त कोविड केयर सेंटर्स स्थापित करे जा चुके हैं, सारी मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित करी जा चुकी हैं, सफाई व्यवस्था भी बना दी गई है जहाँ सफाई कर्मचारी पहुँच गए हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी तरफ से सेक्टर मजिस्ट्रेट इत्यादि की ड्यूटी लगाई जाती है वो भी लगाई जा चुकी है, लगातार रिपोर्ट प्राप्त करी जा रही है और वर्तमान में यात्रा सुगम रूप से चल रही है। जो इन्हें खोल रखी है 800 प्रतिदिन के लिए हिसाब से, वहाँ से कई जगहों से सुनने में आया और सूचनाएँ आए, कई लोगों के फ़ोन भी आए कि यहाँ पर गंदगी है, कई लोगों के फ़ोन आए यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे जगह जगह लोगों को रुकने की जो व्यवस्था होती है, जो खान पान की व्यवस्था है होती है वो नहीं है। और एक तरफ प्रशासन कहते हैं हमारे जगह जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन और अन्य प्रशासन के लोग जो मौजूद हैं, परंतु ऐसे देखने को मिलता है कहीं पे इनकी कोई अभी तक ऐसी व्यवस्थाएँ मौजूद नहीं है, जिससे यात्री जो तीर्थ हैं उनको भी परेशानी हो रही है, जो लोकल स्तर के लोग हैं उनको भी परेशानी है, क्योंकि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इनके सफाईकर्मी कहीं पर स्थान पर नहीं है, गंदगी है, लोग परेशान हैं और इसको जल्दी से जल्दी प्रशासन को इसके नितान व्यवस्था करनी चाहिए, इसको गंदगी को सब बिल्कुल साफ करना चाहिए और जगह जगह अपने नोडल अधिकारी किसी को कोई समस्या होती है उस समस्या को समाधान के लिए फोर्स प्रशासन के आदमी या अन्य व्यवस्थाएं स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाएं उचित रूप से करनी होंगी। इसके लिए सारे लोग में आक्रोश बना हुआ है कि यात्रा खोल दी परंतु कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। देहरादून के डोईवाला में एक दिन पहले कृषि केंद्र थाना रायपुर में बांटे गए कृषि यंत्रों की गुणवत्ता में कमी की वजह से किसानों ने कृषि यंत्र कृषि केंद्र में वापस कर दिए थे, जिसके बाद जिला कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम कृषि केंद्र में पहुंची, जहां ब्लॉक प्रमुख रायपुर दिव्या भारती की मौजूदगी में कृषि यंत्रों की बारीकी से जाँच कराई गई, जिसमें यंत्रों की गुणवत्ता ठीक पाई गई, जिससे किसानों में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी उसका समाधान कर दिया गया। जिला कृषि अधिकारी विजय देवराणी ने कहा कि भविष्य में भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी या शिकायत किसानों को होगी तो उसका तुरंत ही समाधान किया जाएगा। कृषि विभाग का उद्देश्य ये है कि किसानों को उच्च गुणवत्ता का सामान मिले, जिससे कि वो अपनी आय को बढ़ा सके। सामान बांटा गया था, उसमें हमने जो है डीलर वगैरह से पूछा था तो उन्होंने उस समय भी हमसे यही कहा था कि इसमें जो है वायर जो है मोटर में है वो एल्युमिनियम के, उस समय उन्होंने हमें बोला था कि चेंज करवा देंगे, लेकिन उसके बाद चेंज करवाइए हमें इसकी मुझे तो कोई जानकारी नहीं दी गई है, अगर प्रधान वगैरह को दी गई हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई कि हम लोगों ने मोटर चेंज की है। उन्होंने जो है कल भी सामान की टेस्ट यहाँ पे वापस आया था, उसके बारे में भी हमने मीडिया को बताया था कि ये सामान वापस आ चुका है आज, बल्कि ये सामान खोला गया तो कुछ सामान जो मोटर वगैरह चेंज किए हैं आज देखा है तो उनमें कॉपर की वायर लगी हुई है, तो अब ठीक है कि मतलब जो भी सामान किसानों को गया वो ठीक है, हमारा फ़र्ज यही बनता है कि जो भी हमारे क्षेत्र में सामान जा रहा है किसानों को जो भी सामान दिया है उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें और सामान की क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए। कल कतिपय समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जो है हमारी इस ग्राम सभा में जो है किसानों को जो है
निम्न गुणवत्ता के जो यंत्र उपलब्ध कराने की बात संज्ञान में आई है, उसके क्रम में आज मैं स्वयं यहाँ पर आया था और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के समक्ष जो है यंत्रों की जाँच कराएगी। जहाँ भी जो भी समस्या थी, जो भी क्वेरीज थी, ये पूर्व में संज्ञान आया कि कुछ यंत्रों में जो है चैफ कटर में संज्ञान आया था कि बैटरी का इशू था, कि जो है जो कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर का इशू था, वो पूर्व में भी सामान्य जनप्रतिनिधियों को अवगत करा दिया गया था कि जो भी यंत्र अगर वो उच्च गुणवत्ता के नहीं है तो उनको जो है उच्च गुणवत्ता के यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। उसी क्रम में सभी किसानों को पूर्व में ही सभी यंत्र, जो भी उनकी समस्याएं थी, उनका निराकरण किया जा चुका था। वहीं चरमोली में जोशीमठ का प्रसिद्ध फूल कोटा मेला या मां चंडिका मंदिर रविग्राम जोशीमठ और नरसिंह मंदिर में संपन्न हो गया है। दो दिवसीय पूर्णमासी के अवसर पर होने वाला ये मेला क्षेत्र, प्रदेश और देश की सुख समृद्धि खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस मेले में 400 से ज्यादा घी के अखंड दिए जलाए जाते हैं और रविग्राम और नरसिंह मंदिर में के हर परिवार के मंदिर में 24 घंटे अखंड घी के दिए जलाए जाते हैं और इसके बाद उच्च हिमालय क्षेत्र से लाए गए देव राज्य पुष्प से मां चंडिका का फूल से श्रृंगार किया जाता है और रात भर रात्रि जागरण कर मां की पूजा अर्चना की जाती है और भजन भी वहां पर भक्तों द्वारा किया जाता है। हमारी बहुत फूलकोट का ये त्यौहार आता है, हर वर्ष हम लोग मनाते हैं और ये कई साल हमारे पुराने दादा परदादा अभी धर्माधिकारी जी ने भी इसके विषय में कई चीज़ बताई है और यहाँ पर जो है हमारी चंडिका जी आती है और ये जो दिए जलते हैं गाँव वासियों के, ये जो है अपनी ये अखंड ज्योति है, ये जो जल रही है यहाँ पे और ये जो है ये ज्योति जो है बुझनी नहीं चाहिए। कल शाम तक इसकी जो परंपरा है, इसकी देख रेख गाँव वाले खुद अपने दिए की देख रेख करते हैं ताकि उसको जली रहनी चाहिए, वो शुभ माना जाता है। अगर कोई दिया किसी कारण बुझ गया तो वो अशुद्ध माना जाता है। ये परंपरा हमारे गाँव वालों की यहाँ पर रही है और कल शाम को भगवती की पूजा और अर्चना करने के बाद उसके बाद फिर ये दिए उठाए जाते हैं। लोग अपने अपने घरों में जला हुआ दिया अपने जो देवी देवता का स्थान होगा घर में, जो अपनी देवी देवता अपने इष्ट देव होंगे उसके वहाँ तक ये दिया जला होना चाहिए। हमारी न जाने कितने हजारों वर्ष की परंपरा है, हमने अपने परदादा दादा और ग्रामवासियों से सीखी, उसी परंपरा में हम बूढ़े हो गए हैं। ये परंपरा गांव की सुख समृद्धि की, देश की सुख समृद्धि की प्रतीक है। हम सुदूर हिमालय से और कमल के पुष्प लेके आते हैं और कमल के पुष्प लेने के लिए गांव के स्वस्थ बेटे जाते हैं जो वहां जाके कमल पुष्प लाते हैं, भगवती से वहां निवेदन करते हैं कि पूरे गांव में, नगर में, क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में और भगवती की कृपा बनी रहे और कृपा प्रसाद के लिए पूरा गाँव यहाँ पर आया है। हम दीपक जलाते हैं और प्रत्येक घर में जलते हुए दीपक जलाते हैं ताकि एक वर्ष तक भगवती हमारी रक्षा करें, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अगले वर्ष आते हैं पुनः हम दीपक जलाते हैं। हमारी बड़ी स्वस्थ सुंदर परंपरा है, इसी परंपरा को निभाते हुए हम आज भगवती चंडिका के चरणों में और जोशीमठ ग्राम में हैं। लक्सर के विकास खंड खानपुर ब्लॉक के लाल चंद्र वाला गांव में के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से गरीब पात्र लोगों को दूर रखने और अपात्र लोगों को आवास योजना का लाभ देने का आरोप लगाया है। दरअसल लाल चंद्र गांव वाला गांव की निवासी एक महिला ने लक्सर उप जिलाधिकारी से एक प्रार्थना पत्र देकर जाँच की मांग की है। महिला ने पत्र में लिखा है कि वो एक विधवा गरीब महिला है और उसके 4 बच्चे नाबालिग हैं और वो झोपड़ी में रहती है। उसने लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में उसका नाम पहले से चल रहा था, जिसे ग्राम सचिव की तरफ से आखिरी लिस्ट में ये बताकर निकाल दिया गया कि उसके पास पक्का मकान पहले से ही है। महिला ने उप जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। महिला ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जो भी इसमें आरोपी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।